नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप सभी को मालूम होगा कि लॉकडाउन 3 मई तक है। लोगों को ज्यादातर घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, मगर मुंब्रा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग नियम का पालन तो करते हैं, मगर कुछ इलाकों में नियम का उल्लंघन भी होता है। मगर वहीं मुंब्रा के संजय नगर में रहने वाले कुछ युवक ने मिलकर लोगों को ज्यादा बाहर निकलने और दूसरे इलाके के लोगों के आने पर निगरानी रख रहे हैं, साथ ही इमारतों में भी ताले लगा रहे हैं और सारे लोग नियम का अमल कर रहे हैं। संजय नगर में रहने वाले शब्बीर मुलानी, रवि कांबले, मोहम्मद शेख, पप्पू शर्मा, मिलिंद कांबले, राहिल शेख ने संजय नगर में किस तरह से नियम का पालन कर रहे हैं और जनता भी किस तरह से नियम का पालन कर रही है, आप देखें। क्या नाम है आपका और ये संजय नगर इलाके में क्या नियम कायदा बनाया गया है जो लोगों को बाहर आने जाने का समय दिया गया है, वो क्या हिसाब से? समय दिया गया है, बाहर आने जाने के लिए तो बंद करवा दिया है, खाली जो एरिया वाले हैं वो सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक राशन ले लेवे, उसके बाद सारी दुकानें बंद करवा दी है और बाहर से कोई आए नहीं और अंदर से कोई बाहर जाए नहीं, ये सिस्टम रखा हुआ है। तो बिल्डिंगों का कुछ टाइम टेबल वगैरह है, जो गेट पे ताले लगे हैं कितने टाइम से वो खुलते हैं, कितने टाइम से बंद होते हैं? सेम सुबह दो घंटा और शाम को 2 घंटा, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। यही है जो है अत्यावश्यक सेवा या फिर कोई चीज़ें है जैसे दूध पाव ऐसा कुछ लेना है या भाजी लेना है तो ही बाहर आवे, उसके बाद खुद ब खुद ताला बंद करके छोड़ देवे। सुबह 5 बजे से लड़के लोग खड़े हो जाते हैं रात के 2-2 बजे तक कि बाहर से कोई अंदर ना आए, पूछे बिना क्या काम है, कौन है, रिश्तेदार है बाहर से आया है तो रिश्तेदारों को बाहर मिल लो, लेकिन अंदर बुलाना नहीं है ना उनसे हाथ मिलना है। अच्छा, पुलिस आती है इलाके में यहाँ पर? आप जब तक अभी पुलिस स्टेशन में ये कोरोना का वायरस फैला नहीं था जब तक तो दिन में 4-5, 6-6 राउंडअप थे ही, लोग उनको देखते थे भागते थे फिर वो चले गए फिर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब जब से स्टाफ को ही बीमारी हो गई है तो वो स्टाफ कम हो गया है तो लोग साफ अब उनको समझ में आ गया कि स्टाफ आ रहा नहीं है तो वो वजह से अब उसके हिसाब से ही चल रहे लोग कि भाई स्टाफ नहीं है। तो हम लोग आपके नियम कानून इधर किए हैं तो क्या लोग मान रहे हैं? हाँ मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे, उनके भलाई के लिए बोल रहे ना, उनको यही बोल रहे कि हम एक एरिया में परिवार है और परिवार को अपने एक दूसरे का ध्यान देना, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो तुमको मेरे लिए तकलीफ होगी और तुम बीमार पड़ोगे तो मुझे तकलीफ होगी, तो उससे अच्छा आप दूर रहो, लोगों को बिना मतलब बिना कारण घूमो मत। हाँ गर्म हो रहा है घर में ही बैठो। लोग सब्जी वब्जी अगर लेना चाहते तो यहाँ पर है क्या लात बेचने? सब्जी का भी है, सब्जी वालों को भी बोला गया है कि तुम एक जन अंदर बाहर खड़ा रहेगा एक जन अंदर ग्लोव्स पहनकर, क्या लेना है क्या देना है पूछो, दुकान में किसी को लेना नहीं है, कोई सामान को हाथ लगाने देना नहीं है, थैली लो थैली दो खत्म करो, यानी बिना मतलब गर्दी भी मत जमाओ, भीड़ अगर कोई ज़्यादा एक साथ गिरा कर रहा है तो उनको दूर कर दे रहे कि आप दूर दूर चले जाओ, थोड़ा खड़े रहो, ये जाने के बाद आप आगे आओ। तो जिस तरह से मुंब्रा शहर में और भी गलियां हैं वहां पर लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग जो एक टीम है आप लोगों की, तो आप लोगों ने जिस तरह से यहां संजय नगर में व्यवस्था की है कि लगभग ज़्यादातर लोग बाहर ना जाएं बिना ज़रूरत के, लोग यहीं पर रहें, और कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं, सब्जी वाले भी यहाँ पर हैं, तो और भी ऐसे मुंब्रा शहर में जो इलाके हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा मुंब्रा में जितने भी अलग अलग गलियां हैं और जगह है सब लोगों से इसी गुजारिश करता हूं कि वहां के जो लोकल लड़के हैं एक वॉलेंटरी मतलब काम करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और लोगों को जैसे हमने किया है उस तरह से वहां के अपने अपने एरिया को मतलब ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास पुलिस का स्टाफ कम हो चुका है, पुलिस अभी हर जगह पहुँच नहीं पा रही है, तो इसीलिए वहाँ के लोकल लोग वहाँ को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वहाँ का जिस तरह से हमने किया वहाँ पर अपने भी अपने एरिया में वैसे करें। मुंब्रा शहर में हर लोगों को जिम्मेदार बनना चाहिए, अपने घरों में रहना है और लॉकडाउन के नियम का पालन करना है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।